तो फ्रेंड्स अभी घर के लिए निकल रहे हैं, अर्पा भाग रही है, हो गया उससे खेलना। चलिए चलते हैं घर, जाके मिलते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद अच्छे होंगे आपकी दुआ की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ नहा धो के सब तैयार हो चुकी हूँ और मेरा घर का सारा काम खत्म हो चुका है ना। तो आज ये भी घर पे है और बच्चे लोग अभी ट्यूशन से आ चुके हैं। तो आज मैं सुबह सुबह ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, अभी बज रहे हैं 1 बज रहा है अभी। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आप ही अपना काम कर रही है। और राखी आज आई नहीं है क्योंकि उसको बुखार हो गया है। तो सिखाई गया राखी पर, तो खाना खाने के बाद में आएगी, 3 बजे के बाद वो ज्वाइन करेगी। तो अभी हमारा यहाँ पर डिटेन हो रहा है। पिला उनको खाया दे गया उसे। तो अभी डिटेन हो रहा है और कलर भी होने वाला था, लेकिन अभी फिलहाल उनका टाइम नहीं है, इसलिए वो बाद में करवाएंगे आके। और देखिए सब सारा कपड़ा निकाल रही है, देखिए व्हाट आर यू डूइंग। वो अपना बचपन का स्कॉट पहन रही है जो कि उसको नहीं हो रहा है। दूसरा स्कॉट देगी मम्मी, अच्छा वाला निकाल दो, निकाल दो, अच्छा स्कॉट देगी मम्मी, अच्छा वाला, वो नहीं हो रहा, टाइट हो रहा है। आज मैं बनाई हूँ लंच में, दिखाती हूँ क्या बनाई हूँ। आज हमारा लंच में बना है चिकन, ये बनाई हूँ मैं चिकन कसा। तो अगर इसका रेसिपी आपको चाहिए तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगी, कैसे बनाई हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो बना दूंगी मैं। आज मैंने इसका वीडियो शूट नहीं किया है। तो आज सुबह सुबह हमारा प्लानिंग बना था कहीं बाहर जाने का, तो इनकी वजह से हम लोग कहीं नहीं जा पाए, क्योंकि इनकी वजह से कभी हमारा प्लानिंग बनता ही नहीं और तो खराब हो जाता है प्लानिंग। बच्चे लोग लेट में उठे और ये भी लेट में तैयार हुई। नहीं मैं यहाँ तैयार लेट में हुई, ठीक बात है, लेकिन आज हम लोग कहीं बाहर जाना चाह रहे थे। किसका पापा? गधे के पापा, मतलब तुम गधे। यहाँ पर हो रहा है झगड़ा दोनों का। हाँ मामा को फोन कर रहे हो आप, गंदे हो, मामा को क्यों फोन कर रहे हो? नहीं नहीं अच्छी अच्छी है मेरी बच्ची, अच्छी हमेशा रुलाते रहते हैं ये ब्लॉग में मेरी बेबी को। अच्छा खाएंगे चिकन? मैं अच्छा हूँ ना, ठीक मामा को। आज पापा क्या बात है, आज पापा स्मार्ट लग रहे हैं मेरे वाले टी शर्ट में। मम्मी के टी शर्ट है, पहले चिकन खाओगे पहले फ्रॉक पहनोगे? बेबी अभी आरफा भी तैयार हो गई। कहाँ कहाँ इधर आओ, पीछे खड़ो, पीछे दिखाओ, फ्रेंड्स लोग को दिखा, उधर जाओ अभी दीदी के पास, और उधर जाओ ना, नहीं दिख रहे हो। अरे हाँ हाँ, थोड़ा नाच के दिखा, नाच के दिखा थोड़ा, जिनकी जिन्ना जिनकी जिन्ना जिनकी जिन्ना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सबका खाना पीना हो चुका है, तो अभी ये अभी लंच कर रहे हैं, क्योंकि आज खाना कम पड़ गया तो मेरे को दोबारा से खाना बनाना पड़ा इसीलिए। और यहाँ आरफा आज कहाँ जाने के लिए जिद कर रही है जी? पार्क जाने की, जो कि अभी कोरोना के लिए सारा पार्क बंद है, और वो अभी जिद कर करके अभी थोड़ा सा शांत होकर मोबाइल देख रही है क्योंकि उसके पार्क ही जाना है। तो अभी मेरे कस्टमर आए हैं, फेशियल चल रहा है, तो आज देख ही रहेंगे, आज मैं दिन भर बिजी हूँ इसलिए 12 बजे बनाई वीडियो, जिसके बाद भी कस्टमर लगातार आ ही रहे। ये मेरा सेटअप है, यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लॉग वगैरह बनाऊँगी रात को, जो पैक वगैरह उस सब का वीडियो, उसका भी लिंक मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि घर में आप कौन सा पैक वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। और ये वाला नेकलेस देखिए, ये मैंने बाय किया है अमेजोन से। अगर आपको ये नेकलेस पसंद है और अगर आपको ये नेकलेस चाहिए तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और आप इसको बाय कर सकते हैं मेरे कोड के थ्रू से। आई आई, और यहाँ पर हो रहा है अभी डिटेन का हो रहा है, टाइम हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग क्लीन करके फिर फेशियल स्टार्ट करेंगे। कौन गोयला राखी? तो राखी अभी तक आई नहीं है, तो अभी हम लोग फेशियल फिर से कहीं जाने वाले थे और फिर कस्टमर आ गए तो फिर से नहीं जा पाएंगे आज, आज बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो घर पे ही हमारा टाइम यही करने वाला हो सकता है कि थोड़ा बहुत रील्स भी बना रही हूँ आज घर पे ही, तो वो भी मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इनका हो गया लंच, मैं वो लंच का ही ये करी थी ना, तो लंच खा चुके हैं, अभी जा रहे हैं दुकान। और मैं आया है गुपचुप वाला, तो मैं जाती थोड़ा सा गुपचुप खाने के लिए, पानी पूरी तो कम खाएगी, मैं तो गैस ही जाऊँगी तो इसलिए मैं कम ही खाऊंगी क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, इसलिए। तो चलिए चलते गुपचुप खाने, गुपचुप समझेंगे क्या जी आदमी ना, पानी अभी। तो यहाँ पर अभी चला है फेशियल, खत्म नहीं हुआ कस्टमर है, हैप्पी तो नहीं खाएगी, खाई वो नहीं, हैप्पी नहीं खाएगी क्योंकि वो फेशियल कर रही है। और मैं जा रही हूँ खाने के लिए गुपचुप। ओए सुनिए, मुझे प्लीज आज कहीं भी घुमाने नहीं लेके गए हो। गुपचुप हुआ कहाँ है? गुपचुप हुआ, और ये रहा गुपचुप गाड़ी, ये हमारा ये साई का बहुत ही फेमस गुपचुप। तो ये हमारा साई का बहुत फेमस गुपचुप है, पता जोर से बोल रहे हैं, कम से कम जोर से तो बोलना ही पड़ेगा। आज मैं बहुत काला दिख रहा हूँ इनके मुकाबले, मैं जा रहा हूँ
बहुत बिजी थे, तो सुबह से हम लोग तैयार हुए थे कहीं घूमने जाने के लिए, और आरफा की आवाज़ तो सुन ही गए होंगे, इतना परेशान कर रही है मेरे को कि अभी हम लोग फिर मैं इनको भी फ़ोन करके बुलाएंगे तो यही मेरा शूट कर रहे हैं, तभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने, और आरफा को लेकर थोड़ा घुमा के लेके आएंगे, तो चलिए चलते हैं। सुनिए सुनिए, मुझे लगता है कि आपके कस्टमर आए हैं अभी फिर से, आज आप शायद घूमने नहीं जा पाएंगे, वाह हाँ शायद यहाँ बोले रहे, अल्लाह का शुक्र है कस्टमर मेरे ऐसे ही आते रहे, मैं चाहती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा घूमने का मन था, तो कोई बात नहीं, पहले कस्टमर बाद में घूमना। चलो आरफा, तो यहाँ उनके कस्टमर आ गए, निकल लिए घूमने के लिए, निकल ही रहे थे कि कस्टमर आके पहुँचे हैं अभी ये गाड़ी में, और आज शायद वो घूमने नहीं जा पाएंगे, तो मैं आरफा को अकेले घुमा के लेके आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आरफा को मैं घुमाने लेके आ गया, यहाँ पे है वो जगह, ये देखिए कितना बड़ा फील्ड है, अब आरफा यहाँ पे घूमेगी, लेकिन जल्दी जल्दी घूम के चले जाएंगे, ठीक है? हाँ, खेलोगे क्या यहाँ पे? ठीक है, चलो दौड़ो खेलो। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इधर बिजी हो गया, आरफा मुझे बताए बिना देखे कहाँ कितनी दूर भाग गई है, देखिए जरा, देखिए कितना दूर भाग गई है मेरे को बिना बोले। आरफा, तुम मुझे नहीं बता के भाग के आ गए? हाँ, मुझे बोले नहीं और चुपचाप चले आए? नहीं, मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था तुमको, हाँ मैं ढूंढ रहा था, मैं सोच रहा था कहाँ चली गई आरफा, और तुम मुझे बिना बताए आ गए? नहीं, हाँ बोलना चाहिए ना, कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। चलो घर जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं, घर जाएंगे ना अभी? हाँ चलो चलो, मम्मी बुला रही है। आरफा चलो भी, मम्मी बुला रही है ना, चलो हो गया हो गया, अब चलो जाएंगे, चलो घर, चलो सो मत यहाँ पे, चलो चलो। ओए इधर है घर, इधर चलो। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी घर के लिए निकल रहे हैं, आरफा भाग रही है, हो गया उससे खेलना, चलिए चलते हैं घर, जाके मिलते हैं। अभी टिंकी को लेने के लिए आ गए हैं डायरेक्ट फील्ड से, क्योंकि टाइम हो गया था, 5 बज गया है, और आरफा तो टिंकी के बिना रह नहीं पाती है ना आरफा। मंकी, अरे बाप रे इतना बड़ा मंकी, अरे बाप रे, मैं तो डर गया। डर गए क्या तुम? ओ माय गॉड, कहाँ चला गया मंकी सर? ओ दे वहाँ है मंकी, हाँ हाँ हाँ। अब टिंकी को कैसे लाएंगे? अरे भागो मत, भागो मत, डरो मत। आरफा क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? मंकी तो इतना दूर में है ना। ओ दे टिंकी आ गई, वाह वो तो जान गई तुम आए हो बोल के। चलो तो चलिए फ्रेंड्स, टिंकी आ गई इन लोग को लेके, मैं घर छोड़ता हूँ। देखते हैं कि ये पीछे मैंने एक वॉल के लिए स्क्रीन लगाया है, पर देखते हैं कि ये इतना पतला है और आधा दीवार तो मेरा ढक ही नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर ही अपना एक टेबल भी खरीदी थी, आपको दिखाई थी एक ब्लॉग में, कि यहीं पर ही मैं अपना ब्यूटी ब्लॉग वगैरह बनाऊंगी, जो कि पैक वगैरह आपके लिए डालूंगी, जो कि घर में आप वो पैक को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ इनके साथ इसका और एक पीसेस लेके आने, जो कि पूरा वॉल को कवर करेगा। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, जाके मिलते हैं। और कल मैंने कुकर और टिंकी का चप्पल भी बाय किया था, जो कि मैंने अपना चप्पल तो दिखा दिया था पर टिंकी का नहीं दिखाया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है उसके चप्पल पे, वो भी मैं आने से बताऊंगी, और दोनों चीज़ों को और स्क्रीन भी लेके आऊंगी, और क्या क्या लेके आती हूँ शॉपिंग करके, बने रही है, और आने के बाद सब कुछ आपको दिखाती हूँ। मैं तैयार होकर जाने ही वाली थी, तो फिर से आई है झरना, वो कुछ हेयर कट वगैरह करेगी, तो फिर से अभी मैं घूमने नहीं जा पा रही हूँ। आज शॉप कार्ट में बाहर होती मैंने जाऊँ ब्लॉक करेगी, तब पूरी रिटर्न आती कस्टमर तो चलिए चलते हैं, इसका हेयर कट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर निकलूंगी, फिर अगर कोई कस्टमर आया तो फिर आज नहीं जा पाऊंगी। अभी फ्रेंड्स इनका यहाँ हेयर कट लगभग हमारा डन हो चुका है, अभी देखते हैं हेयर कट करने के बाद इनका लुक कैसे आता है। तो
फ्रेंड्स, अभी आप देख चुके हैं कि हेयर कट भी खत्म हो चुका है और आईब्रो भी आए हुए हैं, तो फिर मैंने आईब्रो भी डन कर लिया है। इससे पहले कि फिर और कोई कस्टमर आए तो फिर मेरे को फिर रुकना ही पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी से जाके आ जाती हूँ जो काम के लिए जा रही हूँ। तो चलिए, आज मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सुबह से ही, क्योंकि मैं जब भी बाहर तैयार होकर निकलती फिर मुझे वापस से रिटर्न होने पड़ रहा है, अंदर आना पड़ रहा है बार बार। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर से रिटर्न होना है आए तो फिर मेरे को वापस आना। काम ख़त्म हो चुका है, पार्लर के कस्टमर सब जा चुके हैं, तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ लेके आने के लिए, जो कि लेके आने के बाद हम लोग दिखाएंगे। आज का दिन बहुत ही बिजी रहा, वो तो देख ही चुके हैं आप, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोली इनको कि सामान भी ले आएंगे और थोड़ा सा माइंड भी फ्री हो जाएगा मेरा। हाँ, मतलब लेडीज़ लोग का काम जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, चाहे वो बाहर का करे या घर का काम करे, तो दिन भर काम लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। ये ऊपर से ये बच्चे हमारे माशाल्लाह, तो इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, तो थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं घूम के। तो आ चुके हैं मॉल में, जिस मॉल में हम लोग कुछ लेने वाले थे, पर फ्रेंड्स ये भी मॉल बंद है, तो आज का जो हम लोग का लेना वो हो नहीं पाया। यहाँ पर हम लोग आए हुए थे, तब ये बंद है, सारा दुकान लगभग क्लोज था, मार्केट से दूर में है तो मुझे लगा था शायद ये खुला रहेगा, पर ये भी बंद है। कोई बात नहीं, कल जाएंगे, है ना, जो लेना रहेगा कल जाएंगे, और जो लेने वाली थी मैं वो कल शॉपिंग करूँगी और कल दिखाऊँगी आपको। तो चलिए अभी चलते हैं घर डायरेक्ट, वहीं पर जाके मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आरफा रोटी बनाना ख़त्म हो चुका है, हम लोग घर आके पहुँचे थे और रोटी बनाना ख़त्म हो गया है। यहाँ आरफा को नींद आ रहा है क्योंकि वो दिन में सोई नहीं थी, तो अभी सो जाएगी, इसलिए उसको जल्दी जल्दी खिला देते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बने रहिए ब्लॉग में। हमारा डिनर ख़त्म हो चुका है, सब कुछ, सब कोई खाना पीना ख़त्म कर चुके हैं और सब सो भी रहे हैं बच्चे लोग, तो अभी हम लोग अभी तक नहीं सोए इसलिए कि हम लोग ने ब्लॉग को एंड नहीं किया है। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर, जो भी नए हैं जो देख रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, खुदा हाफिज़। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and